आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। बाईस राज्यों में होगा रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी देंगे 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। मिशन मोड में तैयारी। अमित शाह 9 मई को कोलकाता में टैगोर जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रतिबंधित दवाओं के साथ टीम गिरफ्तार। केसीआर का बड़ा दावा, कहा नई औद्योगिक नीति से हैदराबाद आईटी कैपिटल के रूप में बेंगलुरु को पीछे छोड़ने में अग्रसर। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। असम के सीएम शर्मा का कांग्रेस पर तंज। बोले, ना हमें राहुल से सीखने का समय है, ना उन्हें सिखाने का समय है। बीजेपी के 26 बागी कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित। प्रयागराज में पार्षद चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला तो निर्दल लड़ रहे थे चुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षों पर तंज। बोले, इनके लिए निकाय चुनाव खोदा पहाड़ निकली चूहिया है, जनता इनकी चाल जान गई है। बीजेपी नेताओं का राजनीतिक कद तय करेगा चुनाव। आगामी लोकसभा के लिए तैयार हो रही है न्यू वायर्स की अनदेखी, कहीं ना पड़ जाए भारी। ओवैसी बोले, अतीक अशरफ को मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद। कहा सीएम योगी, बताएं कातिलों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म। यूपी के गाजीपुर से थे बसपा सांसद, 4 साल की सजा मिलने के बाद 56 घंटे बाद सांसद दी गई। अमेरिका में बवंडर से 60 गाड़ियां टकराई, 6 की मौत, 30 घायल। टोरनेडो की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा, गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गईं। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए लंदन जा रहे लोग होटल बुक। शहरों में बड़ी भीड़, लेकिन कुछ लोग इसे जश्न का मौका नहीं मानते। थाईलैंड में पीएम कैंडिडेट ने बेटे को जन्म दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी है शिवनवात्रा। देश में 14 मई को है चुनाव। कतर में अफगानिस्तान क्राइसिस पर समिट। यूएन की मीटिंग में पाकिस्तान, चीन और यूएस शामिल, तालिबान को नहीं बुलाया। रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर को गोला बारूदों की कमी, पुतिन के करीबी। प्रिगोजिन बोले, रोज हजारों लड़ाकों के शव भेजने को घर मजबूर है। बेंगलुरु ने लखनऊ से हिसाब बराबर किया। सुपर जायंट्स को उसी घर में 18 रन से हराए, सीजन का सबसे छोटा स्कोर बचा है। दस साल बाद भिड़े गंभीर कोहली। 2013 के बाद फिर एक बार दोहराया इतिहास। कोहली ने सोमवार को बेंगलुरु का बदला लखनऊ में लिया। हरियाणा के मंत्री ने मांगा ब्रजभूषण का इस्तीफा। बीजेपी सरकार में शामिल चौटाला बोले, सच सामने आना चाहिए। सिद्धू पहुंचे रेसलर्स के बीच। कैंसिल हो सकता है एशिया का कप। पाक मीडिया का दावा, पाकिस्तान के बिना भारत 5 देशों का टूर्नामेंट करा सकता है। ब्राजील में दोबारा आकर ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेन फुटबॉल टीम। ब्राजीलियन क्लब का पूरा समर्थन। जिम के बाहर स्पॉट हुई जानवी कपूर। ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स में दिखी, फैन को ऑटोग्राफ या फोटो भी खिंचवाई। एयरपोर्ट पर दिखी रिया चक्रवर्ती, जिसके साथ स्टाइलिश की ओवरसाइज शर्ट्स। मुस्कुराते हुए पेपरोजी को दिए पूछ। एआर रहमान को लाइव कॉन्सर्ट में गाने से रोका गया। रात 10 बजे के बाद प्रोग्राम जारी था, पुलिस ने स्टेज पर जाकर रुकवाया। फैंस को पसंद आई नवाजुद्दीन नेहा की केमिस्ट्री। मजाकिया अंदाज में शेयर किया वीडियो, जोगिरा सारा रारा पर साथ नजर आए।
एयरपोर्ट पर दिखी पलक तिवारी, डीप नेक लाइन वाली ड्रेस में नजर आए, फैन के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सियासी दिग्गज